गुड मॉर्निंग सोना, आज मेरी फास्टिंग है। मंथली शिवरात्रि का फास्टिंग मैं करती हूँ, तो वो है, तो मैंने पूजा कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं मंदिर। वो ये चीकू का पेड़ दिख रहा है, इतना सारा चीकू हुआ है इसमें। पता नहीं आप लोग कुछ शो कर पा रहा है कि नहीं, इतना खूबसूरत लग रहा है। पूरा पेड़ एकदम चीकू से भरा पड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हरा हरा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे फिर से सर्दी हो गई है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आज मेरा फास्टिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैं मंदिर भी गई थी, पूजा भी कर लिया, और अभी 11 बजने वाले हैं और अभी मैं ले रही हूँ अपना पहला चाय। फास्टिंग है तो चाय के साथ मैं रोस्टेड पीनट्स लेती हूँ। ये मेरा आज का लंच समझिए, ब्रेकफास्ट समझिए, जो भी है, मैं यही लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड गर्मी होने वाली है। सिर्फ मैं पानी इंटेक करने वाली हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या ही बताऊँ। बस कुछ बिजी चल रहा था तो इसलिए कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रही थी मैं। कुछ दिन गैप हो गया, बहुत दिनों के बाद मैं इस ब्लॉग को एंड कर दी हूँ, और इसलिए आज मैं घर पे हूँ, चूँकि मैं आज फास्टिंग में हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या हाल है? यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला हाल है। तो मैं बस चाय अपना फिनिश करूँगी और सारे गेट को बंद करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप जो है वो बाहर से पूरा अंदर आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले गेट बंद करूँगी और उसके बाद आराम से एक नैप लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी है तो क्या ही कर सकते हैं यार, कुछ भी मतलब करो ना तो इतना ज़्यादा पसीना होने लगता है, और मुझे तो गर्मी से कुछ ज़्यादा ही एलर्जी है। तो बस ऐसा ही कुछ आज का दिन बीतने वाला है। और ये महाशय जी भी यही है, ये भी पीनट्स खा रहे हैं मेरे साथ। ये तो हम लोगों का घर का रिवाज है कि फास्टिंग कोई एक आदमी करेगा और बाकी सारे बच्चों को फ्रूट्स हुआ या फिर जो भी आप खा रहे हो वो देना है आपको। तो बस मैंने भी वो परंपरा चालू किया, तो खा रहा है अपना पीनट्स और मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने ब्लॉग ऐसे ही रेंडमली स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ दिन से बहुत दिनों से कुछ शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि नहीं एक ब्लॉग चलो बनाते हैं, तो बने रही। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं उठ गई हूँ बहुत अच्छे से नैप लेने के बाद। मैं उठी थी दोपहर में एक्चुअली, बट जानते हैं आप घर में रहो तो बहुत सारे काम पेंडिंग्स हो जाते हैं, तो बस उसी को निपटा रही थी मैं। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि खाना मत खाओ लेकिन पानी ज़रूर चाहिए, तो मैंने बस पानी पिया है। मैं वो जो सुबह मॉर्निंग में चाय पी रही थी वो आपको दिखाया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दही का शरबत, तो चलिए फटाफट से शरबत बनाते हैं और पीते हैं, क्योंकि बहुत प्यास भी लग रही है फिर से। फास्टिंग में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखना रहता है कि आप जो हैं वो सारी चीज़ें मतलब अच्छी हो, मतलब फ्रेश हो, साफ सुथरा हो, क्योंकि आपने फास्टिंग की है। तो ये जो दही है ये मैंने घर में जमाया था। मैं एक्चुअली पूरी गर्मियाँ दही घर में जमाती हूँ, और मैंने इसमें चीनी डाला, और ये जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा पानी है, फ्रिज में से निकाला हुआ पानी है, और दही भी फ्रिज में ही रहता है ताकि खट्टा ना हो जाए, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि क्या ही बोलूं। और बस मैं कोई मिक्सी उक्सी में लस्सी नहीं बनाती हूँ, ये देसी तरीके से। थोड़ा चीनी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शरबत है तो ऑब्वियसली वो मीठा होना चाहिए, और मेरे बेटे को भी दही का शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लस्सी नॉर्मली हम लोग खरीद के पीते ही हैं। और ये एकदम पतली वाली हम लोगों की ठंडी ठंडी शरबत जो है वो रेडी हो चुकी है, इसे हम लोग ग्लास में पहले डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है भाई जोड़ों की प्यास है ना। तो चलिए पहले इसे, अरे भाई उठ जा, रेडी हो चुकी है और मैं इसे पीऊंगी, क्योंकि मुझे जोरों की लगी है प्यास, और ये इतना ज़्यादा सुकून देता है ना गर्मियों में। ओहो,
यम बहुत ही ज्यादा अच्छा। मीठा एकदम बैलेंस के हिसाब से है। इतनी ज्यादा गर्मियां पड़ रही है ना कि आप लोग भी प्लीज अपने खान पान पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैं फिलहाल इस लस्सी को पीऊंगी, शाम होने वाली है, क्या ही शाम क्या ही सुबह, इतनी गर्मी है कि पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा वॉक करूंगी, फिर शाम को दिया जलाएंगे हम लोग। तो बस ऐसा ही कुछ दिन बीत रहा है। और आप देखिए मेरा मेरा फेस देखा आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा मुझे पसीना हो रहा है, क्योंकि अभी फ़ैन बंद किया है मैंने, फेस वॉश कर लिया है मैंने, उसके बावजूद आप देखिए कितना पसीना है। देखिए ओके, समझ रहे हैं मतलब बस इसमें जीना है और क्या ही बोले। फिलहाल मैं इसे पी लूँ, वरना इतनी गर्मी है कि पता नहीं कब ये लस्सी से छाछ बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। गया है पूजा का टाइम, तो हम लोग जलाने वाले हैं दिया, है ना। शाम की पूजा कर ली जाए पहले। भाई मम्मा माचिस का है सूर्य को। मॉर्निंग सोना, मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग क्या लग रहा है कि दोपहर हो चुकी है, जबकि दोपहर नहीं हुई है, अभी सिर्फ मॉर्निंग ही हुई है, लाइट भी कट गया है। और अभी नाश्ता करने का टाइम हो गया यार, और हम लोग खाने वाले हैं ये खरबूजा। जी हाँ, कट गया है हमारा खरबूजा, अब इस पे जाएगा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा अच्छे से, और अब हम इसे खाएंगे। ये मैं आ गई हूँ लेके गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट्स है, खाया जाए इसे। कल मैंने और कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि बस ऐसे ही शाम को मैंने वो दही का जो लस्सी घोला था वही रात में भी एक ग्लास पिया, बस दैट्स इनफ। और रात को बस हम लोग, मैं सो गई और कुछ नहीं सूट किया मैंने। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट टाइम, इसे खाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे दिखाएंगे जो भी होगा। और आप भी गर्मी में फ्रूट्स खाइए, हाइड्रेटिंग रहता है, बॉडी नीड भी होती है इसकी। तो हम लोग भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, मैं इसे खाऊंगी और इन्जॉय करते हैं। बेटे को आज ब्रेड खाने का मन कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे ब्रेड कस्टर्ड की एक रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे दूध को गर्म कर लिया है, और थोड़ा सा गर्म दूध निकाल के उसमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लिया है, और उसके बाद उस कस्टर्ड पाउडर को मैंने दूध में मिला दिया है, गर्म दूध में, और उसको अच्छे से चलाया है जब तक वो थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस काट लिए हैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। नॉर्मली मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखा था उन्होंने साइड पार्ट को भी कट करके हटा दिया था, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्वीट की डिश दिखाना चाहते थे, बट मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी तो मैंने उसे भी रख लिया है। और बस हमारा जो कस्टर्ड वाला जो दूध है उसको अच्छे से इसके ऊपर पोर करेंगे चारों तरफ से। और उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट डाला था, मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं था, तो मैंने देसी जुगाड़ सूखा नारियल और किशमिश डाला है, और वो ऐसे भी देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। और उसके बाद फ्रिज में मैंने रख दिया था और निकाल के खाया, टेस्टी था एकदम।